तो सीधा जालौन से आ रही है, जहां पर एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। बड़ी खबर जालौन से, जहां कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, घटनास्थल पर कांस्टेबल की मौत हो गई है। बड़ी खबर जालौन से, जहां कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी और घटनास्थल पर ही कांस्टेबल की मौत हो गई। दबंगों के डर से कांस्टेबल ने यह कदम उठाया है। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बड़ी खबर जालौन से, पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। खुद को गोली मारी कांस्टेबल ने। जालौन से बड़ी खबर, जहां कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। सिपाही नहीं, एक रिटायर्ड एचसीपी थे जो रिटायरमेंट के बाद यहीं उरई के रहने वाले थे, यहाँ अपने घर पे रह रहे थे। उनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि घर पे कुछ लोग आए थे, तूतू में हुई है, उसके बाद वो थोड़े से तनाव में आकर के अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मार के आत्महत्या कर ली। कौन लोग थे जिस वजह से इन्होंने? ये इन्हीं मोहल्ले के कुछ लोग थे जिनसे इनके बच्चों का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया था। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, बाकी विवेचना करा जाएगा। जो विवेचना जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है, शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। ये कौन से अराजक तत्व हैं, क्या पुलिस अभी तक जान पाई है? क्या नामजद इन्होंने तहरीर दिया है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, बाकी विवेचना चीजें स्पष्ट।